नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद अख्तर के साथ सलाम निशान। अभी हम बूढ़ा तालाब में पहुंच चुके हैं रायपुर पे। आज यहां पर एक पुलिस के जो आरक्षक होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। लगभग ये 2012 से ये कहानी लगातार चली आ रही है, जिसके बाद कुछ सिपाहियों ने, यहाँ तक कि क्राइम में काम करने वाले कुछ आरक्षकों ने मिलकर इसका एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने अधिकारियों से अपनी मांग की और अपने ग्रेड पे की और भत्ते की बात की थी, जिसके बाद उन लोगों को निकाल कर सीधे सीधे उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। काफ़ी लंबे समय की लड़ाई का कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लगभग 2017 में ये सभी सिपाही पुना से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने एक मुहिम बनाई, एक संगठन तैयार किया और पूरे प्रदेश के ऐसे जितने भी आरक्षक हैं, सशस्त्र बल में हों या किसी भी SPO में हो, बस्तर टाइगर में हो या होमगार्ड में हो या पुलिस थानों में हो, उन सभी को लेकर एक सामूहिक रूप से तैयारी की और सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए। 2018 में इनको पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने इनको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपके इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देते हुए आपकी सभी मांगों को, आपको आपकी लगभग 12 प्रमुख मांगे थी, उन 12 प्रमुख मांगों को पूर्ण किया जाएगा। बावजूद उसके सरकार आई, सरकार ने 4 महीने बाद इसके लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी में PHQ के कई बड़े अधिकारियों को रखा गया। लगभग 7 महीने बाद उस PHQ की रिपोर्ट आती है, लेकिन उस PHQ की रिपोर्ट आखिरी समय तक सरकार लीक नहीं करती है, ना ही उस पर सरकार जवाब देने को तैयार होती है। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती गृह मंत्री भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, जिसके बाद चुनाव फिर आता है और इसके बाद परिवर्तन एक बार फिर से हुआ है। और इसके बाद परिवर्तन होने के बाद अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा हैं और विजय शर्मा से इन लोगों को उम्मीद है इस बार कि भाजपा इनकी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन सवाल ये है कि 15 साल तक पूर्व में भाजपा यहाँ पर शासन में रह चुकी है, उन्होंने इन पर राष्ट्रद्रोह भी लगाया था और इन पर मुकदमे भी दर्ज किए थे। क्या वो सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? पूर्ववर्ती सरकार ने भी इनके साथ वही किया, धोखा और छल। उसके बाद आज भी ये जो है अब पुना से फिर एक बार ये सामूहिक रूप से तैयारी कर रहे हैं, जिसका आज ज्ञापन देने के लिए संजीव मिश्रा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संजीव मिश्रा ने जो बताया है उसको देखकर लगता है कि एक बार पुना से पुलिस आरक्षक अपनी मांगों को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर हैं और अपनी इस मांग को लेकर वो विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे और ये लड़ाई अब काफ़ी बड़े पैमाने पर लड़ने की तैयारी है। बने रहिए आगे की अपडेट के लिए। कुछ मांगे प्रमुख हैं जो सभी वर्ग, जो भी वर्ग है उसमें शामिल होता है, तो ये आपकी मांगे जो हैं इसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं? देखिए, जब एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब अभी कांग्रेस सरकार थी तो रमन सिंह जी ने, अरुण साहू जी ने और बृजमोहन अग्रवाल, ये तीनों मंत्री जी ने लिख कर दिया था कि पुलिस विभाग का सिपाही रीढ़ की हड्डी होता है, इनको 2800 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। ऐसा पत्र उन्होंने भूपेश बघेल जी को लिखा था और आज जब वो सरकार में है तो मैं मांग करता हूँ कि वो जो पत्र लिखा था उसको पूरा किया जाए। और दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश में TIO को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है तो वह दिया जाना चाहिए। हमारे निरीक्षकों को भी, वह दिन भर अपनी ड्यूटी करते हैं। और तीसरी चीज़, हमारे यहाँ जो नक्सल मोर्चा पे हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और नक्सली हिंसाओं में जो कमी आई है, उनको तो कम से कम चपरासी से थोड़ा ऊपर का वेतन दीजिए। उनको सबसे न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, मैं यही बात आज बताने आया हूँ और यही मेरी प्रमुख मांग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार आई है, ये पूर्व भी सरकार थी, उस वक्त भी आप लोगों का आंदोलन काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसमें जो है कई सिपाहियों को और जिसमें क्राइम स्क्वाड में भी शामिल कुछ लोगों को, उनको भी जो है इस पर प्रताड़ित किया गया था। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी मांगों को मानने को तैयार होगी? हाँ, मुझे
पूर्ण रूप से लगता है, क्योंकि 2018 का जब चुनाव का रिजल्ट आया और उसके बाद आंदोलन किया गया तो इन्हीं के कुछ प्रवक्ता आकर बोलते थे कि पुलिस परिवार की वजह से ही ये 15 और 16 सीट में सिमट गए थे और बस्तर में इनका सफाया हो गया था। और वही चीज़ जब कांग्रेस ने की तो आप देखिए बस्तर में 8 सीटें भाजपा को आई है। तो पुलिस परिवार बस्तर का शेर है, बस्तर के जंगलों में शेर नहीं घूमता, वर्दी पहन के मेरा जवान घूमता है। और यह बात हर राजनीतिक पार्टी को पता चल चुकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार यह मांगे पूरी होंगी। तो आपके साथ एक बहन बैठी हुई है, ये आप इधर आते, तो ये जो आपका ज्ञापन है ये तो आज ज्ञापन का दौर चल गया, इसके बाद क्या आगे की रणनीति है? पहले मैं इनके संबंध में बताना चाहता हूँ, ये अकेली नहीं है, ऐसे लगभग 100 लोग हैं जिनको उपयोग किया गया, आदिवासियों को भोले भाले, और जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको मात्र छोटे छोटे एब्सेंट होने पे निकाल दिया गया, जो आज दर दर भटक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, जैसे इन्होंने उधारी मांग के लाकर वो किया है। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, अब आपने पूछा कि आगे की रणनीति क्या, आज ज्ञापन देने के बाद मैं एक माह में अगर हमारे DGP महोदय से मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ अशोक जुनेजा जी सर को कि अगर हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया तो आगे आने वाला जो भी आंदोलन होगा उसके जिम्मेदार एक माह बाद केवल और केवल हमारे पुलिस मुख्यालय के अधिकारी होंगे। तो सवाल ये भी है कि इससे पहले जो DGP थे और वर्तमान DGP हैं, ये दोनों DGP ही अभी तक जो है आप लोगों की मांग को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, क्या सरकार इसको लेकर भी कोई नया समीकरण लेगी? DGP साहब और अधिकारियों का जो मौन रुख है यह सिपाहियों में रोष पैदा कर रहा है और यह धीरे धीरे उबाल बढ़ता जा रहा है। मैं तो केवल उनकी आवाज़ हूँ, लेकिन जिस दिन वो फूट के बाहर आ गए ना तो कोई नहीं रोक सकता, इस बार मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कमेटी बन चुकी है और अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है और हर सिपाही उम्मीद लगाए बैठा है कि उस कमेटी का निर्णय आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो एक माह बाद जो होगा, जो भी आंदोलन होगा उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उसके जिम्मेदार DGP महोदय होंगे। अच्छा, 2018 की जो सरकार थी उन्होंने भी एक कमेटी गठित की थी इस मामले को लेकर, उस कमेटी की रिपोर्ट 5 साल में नहीं आ पाई, तो इस क्या फिर ऐसा आश्वासन इसकी सरकार में मिलेगा तब आप क्या करेंगे? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, उन कमेटियों की रिपोर्ट केवल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसमें पुलिस के अधिकारी थे और हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पुलिस मुख्यालय में सोते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, और ख़ासकर अपने सिपाहियों की भलाई का, वो कभी अपने सिपाहियों की भलाई नहीं करना चाहते, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो मैं आज जनता के बीच में भी ये संदेश देना चाहता हूँ, जो अपने सिपाहियों के बारे में नहीं सोचता वो जनता के बारे में क्या सोचता होगा। इसलिए अब जो सरकार बैठी है मैं उससे निवेदन करूँगा कि रिटायर्ड जस्टिस, पत्रकार और समाज सेवी की एक अनुशंसा कमेटी बनाई जाए, ना कि पुलिस अधिकारियों की। लगातार 2012 से लगभग ये जो है आंदोलन चला आ रहा है, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जो है जिन्होंने भी इसमें शामिल होने की कोशिश की है उनके ऊपर राजद्रोह भी लगाया गया है, उनको जेल भी भेजा गया है, ऐसी कई संख्या है जिसमें से एक आप भी हैं। तो उसके बाद आज फिर आप जो है हथकड़ी लगाकर आज आप क्या संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए? ये हथकड़ी जो अनुशासन की अधिकारियों ने हमारे ऊपर बांध रखी है और खुद अपना संगठन बना के जाकर गृह मंत्री से मिलते हैं, उसका मैं संकेतिक वो दे रहा हूँ कि केवल हथकड़ी हमारे लिए ही क्यों, हम सिपाहियों का भी संगठन बनाइए जिससे कि हम अपनी मांगों को आसानी से मंत्रियों तक पहुंचा सकें, अधिकारियों तक पहुंचा सकें। बार बार जब भी हम आंदोलन करते हैं या अपनी बात रखने जाते हैं तो हमारे पर राजद्रोह पुलिसद्रोह जैसी धाराएं लगाकर जेल भेज देते हैं। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब संगठन बनाने में राजद्रोह और पुलिसद्रोह लगता है तो CPS अधिकारियों और IPS पे क्यों नहीं लगता, केवल सिपाहियों पर ही क्यों, इसलिए यह हथकड़ी आज लगाई गई।